नमस्कार, अखन हमरा सबके संग मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरज झा छथि। मिथिला मैथिली में बहुत एक्टिव रहै छथि और हिनका से हम जानबन मिथिला राज्य के बारे में। अहाँ के मिथिला चैप्टर में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मिथि मीडिया के। सबसे पहले तो मिथिला राज्य के बारे में और अहाँ सबके जी भव्य आंदोलन भेलै, अहि आंदोलन पर अहाँ की कह चाहबै? एकर भव्यता के अखन काउंट नहीं करियो, तो शुरुआत से अखन अहि में अहाँ भव्य कह रहल छियै तो आगा रास्ता में ओते मेहनत नहीं हेतै। तो ई भव्यता के शुरुआत छै, अखन देखियो आगा आगा की होइ छै। आगू के तहन आगू के की छै? ई तो आंदोलन के बाद फिर अहाँ सबके की मूवमेंट अछि? मूवमेंट देखियो, मूवमेंट पहले से चालू छै, तै मूवमेंट के आधार पर ई आंदोलन भेलै है। आ फिर ई आंदोलन के आधार पर डिसेंट्रलाइजेशन हेतै मूवमेंट के की छै अखन कंसोलिडेट के लिए। अखन गाँव गाँव हमसब 365 दिन चलय वाला संगठन छै, 24/7 चलय वाला संगठन छै, चाहे मिथिलावादी पार्टी कहियो चाहे मिथिला स्टूडेंट यूनियन कहियो। तऽ जे गाँव गाँव मे फैलाव भेलै है आप पोस्ट कोरोना, बीच में कोरोना काल में किस एक्टिविटी सब चीज के बंद छलै है, तो ओकर कंसोलिडेट के लिए तऽ एकटा कंसोलिडेशन 15 जून के दरभंगा में कयने छलियै, सेकंड कंसोलिडेशन अतः भेलै है, फिर अतः से डिसेंट्रलाइजेशन हेतै, फिर ओकर रिकंसोलिडेशन करबै पटना में चाहे दरभंगा में, तो ई सब चलैत रहतै। एहि से की होइ छै जे आंदोलन के गति भेटै छै, इएह सब हमसब कह रहल छी। आ टारगेट इएह छै जे अगला 6 महीना साल भरि मे जे मिथिला क्षेत्र के चप्पा चप्पा पर मिथिला राज्य और मिथिला के डेवलपमेंट के चर्चा पर चर्चा शुरू हो जाए। ई नीक कहलिए अहाँ, लेकिन की बिहार सँ कटला के बाद मिथिला के विकास संभव छै या फिर मिथिला के बिहार के संगे रह के विकास संभव छै? देखियौ, दूटा विषय छै। हम ई नहीं कहब जे बिहार में रह के मिथिला के विकास नहि भऽ सकै छलै, लेकिन भेलै नहि। आब जेना 75 साल भऽ गेलै आजादी के, आजादी के समय में मिथिला क्षेत्र बहुत ज्यादे विकसित रहै। आ जे बिहार के जे रेस्ट ऑफ द भाग छै, जेकरा हम मगध रीजन या कनि भोजपुरी रीजन कहै छियै, ओ तऽ डेवलप नहि रहै। ताहिमे तऽ मिथिला वाला सबके कोनो गलती नहि छलै, ताहि समय के सरकार के गलती छलै। ओहिके बाद सरकार एकटा साजिश के तहत मिथिला क्षेत्र के गरीब से गरीब बनाबै चलि गेलै, ओतऽ के सारा इंडस्ट्री बंद कऽ देलकै, सबटा चीज कल कारखाना बंद कऽ देलकै। आओर जे भी एक तऽ डेवलपमेंट कम भेलै बिहार में, आ जे भी 2% डेवलपमेंट भेलै ओ भेलै अहाँके मगध रीजन में। तऽ ताहि सँ ज्यादे अहाँके वैचारिक मतभेद भेलै है नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार के बीच में। तऽ आब की छै, गैप ततेक ज्यादे छै, और ओहुना भाषा अलग छै मिथिला के, सांस्कृतिक रूपरेखा अलग छै, सांस्कृतिक परिधान अलग छै, रहन सहन अलग छै, सबटा चीज अलग छै। तऽ आब इएह समय छै जे हम सब मिलकर फराक भऽ जाए और ओहिके बाद ई देखा देबै इहो जे हम सब चीज जे मिथिला में केना डेवलपमेंट होइ छै। जेना दरभंगा महाराज ब्रिटिश इंडिया के समय डेवलपमेंट भेल रहै, मतलब ओतऽ डेवलपमेंट भऽ सकै छै, ओ चीज हमसब फेर कऽ कऽ देखा देबै। जी, बहुत बहुत शुभकामना और संगे हम पूरा मिथिला अहाँ सबके संग अछि और सदैव रहत अहाँ सबके जे हिसाब से मूवमेंट छै और मिथिला राज्य के मांग छै। एकटा और हमरा मन में प्रश्न अछि कि एहि आंदोलन के कोनो राजनीतिक सपोर्ट सेहो भेट रहल छै? राजनीतिक सपोर्ट देखियौ, कि आंदोलन से राजनीति पैदा होइ छै, ठीक छै। राजनीतिक सपोर्ट अगर केओ कऽ रहल हेथिन चाहे नहि कऽ रहल हेथिन हमरा नहि पता, लेकिन अगर नहियो कऽ रहल हेथिन तऽ आगा करऽ पड़तै, चूँकि ततेक बड़का प्लेटफॉर्म बनऽ जा रहल छै जे हम आइ चुनौती दै छी हरेक राजनीतिक दल के, या तऽ अहाँ मिथिला क्षेत्र में मिथिला बात के समर्थन में अबियौ, नहि तऽ अहाँके समर्थन करऽ वाला आगा समय में केओ नहि रहत। कहबाक मतलब छै आंदोलन से फेर राजनीति निकल कऽ एतै? एबे करतै, चूँकि सोल्यूशन हमेशा पॉलिटिकल होइ छै। बहुत बहुत आभार अहाँके। हमरा सबके संग में छलथि है सरज झा जी और मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष छथि, और अखन हिनका से सुनलहुँ हैं मिथिला राज्य पर हिनकर वक्तव्य। बहुत आभार।